अब वो मूल वचन है रोमियो 4:25। बाइबल कहती है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है या प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि उसका बलिदान निश्चय हमारे अपराधों को क्षमा करता है। उसके खून से हमारे पापों से हमारे शापों से सारे बंधनों से हम छुटकारा पाते हैं और उसी के साथ साथ उसके जी उठने से उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और मैंने पिछले सप्ताह में जिक्र किया था कि परमेश्वर किसकी ओर अपनी आंख और कान लगाता है, परमेश्वर के दृष्टिकोण में विपत्तियां किसके जीवन में अधिक आती है, तो वो है धर्मी जन। फिर वो स्त्री हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। थोड़ा सा पिछले सप्ताह में हमने व्यवस्था के पूर्व कुछ धर्मी लोगों को देखा है, व्यवस्था के दरमियान जो लोग थे उन धर्मियों को देखा है, और यीशु मसीह के जमाने में यीशु मसीह के आने से पहले भी कुछ लोगों का जिक्र हमें दिखता है कि वे धर्मी है। वास्तविक रोमियो 3:10 इस वचन का कुछ मसीह लोग बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं और वो इस वचन को लेबल की नाई अपने ऊपर चिपका लेते हैं। गलतियां जो बार बार करता है, जिनकी बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू मिश्री नशीली आदत व्यभिचार का जीवन जिनका बदलता नहीं है ना, वो लोग इस वचन का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और वे लोग कहते हैं धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन ये एक पहलू हमें दिखता है, हमें हर वक्त दोनों डायमेंशन को देखना बहुत जरूरी है और इसीलिए बाइबल को ठीक से समझना जरूरी है। पुरानी वाचा नई वाचा, पुराना नियम नया नियम क्यों दिया गया है, हमें हर वक्त दो कंफर्मेशन की जरूरत होनी चाहिए। अगर किसी बात को सिद्धांत बनाना है तो वो सिद्धांत बनाने के लिए कम से कम दो कंफर्मेशन की जरूरी है। और जब बहुत सारे लोग इस वचन का गलत इस्तेमाल करते हुए अपना मनचाहा जीवन जीते, भी ऐसा मनचाहा जीवन जीने वाले कुछ खुद को परमेश्वर का सेवक सेविका भी कहते हैं, आराधक भी कहते हैं, विश्वासी भी कहते हैं, लेकिन मुझे आपको बताना है कि आप पर्दा उस पर से उड़ गया है। कुछ साल पहले मैं भी इस बातों के चपेट में और इस बहकावे में मैं भी भरमाया गया था, लेकिन खुदा की कलाम ने मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया, मेरे आत्मिक कानों को खोल दिया, इसलिए मैं आज आपको सही बात बता सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इन सब बातों में जब हम देखते कि रोमियो 3:10 में लोग कहते धर्मी कोई नहीं, तो फिर सवाल ये आता है कि धर्मी कोई नहीं है तो बाइबल ये भी कहती है कि अधर्मियों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। अधर्मी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकता। तो फिर सब लोग जो कहते कोई धर्मी नहीं, हम अधर्मी है, तो फिर यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ हो गया। और इन बातों को लेकर हमने बहुत लंबी चर्चा की, इस संदेश में लंबी बातों को देखा है। अब पुराने नियम में हमने कुछ लोगों को देखा, नए नियम में भी कुछ लोगों को देखा, जिसका हम शुरुआत में देखते कि यीशु मसीह का इस जगत का बाप मरियम का जो फियांसी था, जो मरियम का होने वाला पति था, उसके बारे में बाइबल कहती है कि वो धर्मी था। यीशु मसीह के जन्म के बाद वो शिमोन नाम का व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके ऊपर बाइबल कहती पवित्र आत्मा था और पवित्र आत्मा ने उसको बताया था कि उद्धार को देखे बिना वो मौत नहीं पाएगा। अब एक कपल है, अब उस कपल के बारे में हम सब जानते हैं, जिसके लिए हम पढ़ेंगे लुका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1 और वचन 5 और 6। क्या कहता है देखो, ये परिवार या एक कपल है या ये मियां बीवी है, इनके बारे में बाइबल कहती है कि वो कैसे धर्मी है। आइए हम पढ़ेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी,
जिसका नाम इलिशिबा था, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। यीशु मसीह जगत में आने से पहले व्यवस्था आने के बाद मूसा की व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे हमें दिखता है कि ये याजक और उसकी पत्नी, इनके बारे में बेहतरीन बात लिखी गई है कि वे दोनों मनुष्य के सामने नहीं, समाज के सामने नहीं, किसी नियमों के सामने नहीं। तो बाइबल यहाँ पे जिक्र करती है कि वे दोनों जकरिया और एलिशिबा, जो भविष्यवक्ता योहन्ना के माँ बाप है, और इनके बारे में बाइबल कहती है कि वे परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। मतलब व्यवस्था की जो आज्ञा है और जो विधियां है, जो भी नियम दिए गए थे व्यवस्था के, उसके अनुसार वो निर्दोष चलने वाले थे। वास्तविक बाइबल कहती है कि इन विधियों पर निर्दोष चलने वाले लोग नहीं है। अब इतने परफेक्ट होने के बावजूद, कभी कभी लोग बैठे ना, ये लोग इतने परफेक्ट चलते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सेवकाई करते हैं, फिर भी इनके जीवन में ये समस्या क्यों है? फिर भी इनको बाल बच्चे क्यों नहीं है? फिर भी इनके जीवन में बरकत की समस्या क्यों है? फिर भी ये कर्जे में डूबे हुए क्यों है? परमेश्वर के सामने धर्मी चलने वाले व्यक्ति के जीवन में विपत्तियां होती है, लेकिन वो परमेश्वर भजन 34:19 में कहता है, मैं धर्मी को उस विपत्तियों से छुड़ाता भी हूँ। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे हमें बताता है उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। मतलब जवानी से लेके बुढ़ापे तक ये दोनों के बारे में परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार दी गई आज्ञा और विधियों में वो निर्दोषता से चलने वाले थे, उसके बावजूद ये निसंतान थे, ये धर्मी लोग निसंतान थे। आज कितने तो भी परमेश्वर के मान दास दासी होंगे जो सच में धर्मी जीवन जीते हैं। कुछ लोग उनके ऊपर इल्जाम लगाते, इनकी प्रार्थनाओं से लोगों को मिला है, इनको क्यों नहीं मिल रहा है? खुदावन धर्मी को थोड़ा लेट देता है, लेकिन बेस्ट देता है। हालेलुया। उनके लिए जो संतान आई थी वो इलिया की आत्मा से आई, और उसके बारे में भी बाइबल कहती है, जो राजा हेरोद था, जिसने अपनी भाभी को घर में रख लिया था, हेरोदिया को, उसके बारे में बाइबल कहती है कि वो योहन्ना भविष्यवक्ता से डरता था, क्योंकि वो कहता है कि वो धर्मी मालूम होता है। धर्मियों की संतान धर्मी होती है, उसका एक जवाब हमें दिखता है। यीशु मसीह भी इस संसार में आया और एक धर्मी पुरुष ठहरा। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप धर्मी थे। मुझे आपको बताना है, आप कितने पढ़े लिखे हो, नो प्रॉब्लम। आप कितने पढ़े लिखे ना हो, नो प्रॉब्लम। आपकी आमदनी कितनी है, नो प्रॉब्लम। आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, अगर आप पति पत्नी है तो एक धर्मी जीवन जीना चाहिए। धर्मी जीवन जीने वालों की संतान धर्मी होती है, और बाइबल का परमेश्वर कहता है धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हमें संतान कैसी चाहिए, हमारे बच्चे कैसे होने चाहिए? डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े पोस्ट पर, बड़े साहब, बिजनेसमैन, यस चाहिए। लेकिन उसके पहले हर एक सुनने वाले माँ बाप ने कान खोलकर सुनना चाहिए, मैं जैसा धर्मी हूँ, मेरी पत्नी जैसी धर्मी है, मैं जैसी धर्मी हूँ, मेरा पति जैसा धर्मी है, मेरी संतान भी धर्मी हो, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन का सम्मान करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में हम बच्चों को, जब बच्ची पैदा होती है तो उसकी शादी के फिक्र में पैसा इकट्ठा करना बाप शुरू कर देता है। जब बच्चे बढ़ते तो उसके एजुकेशन के बारे में, मैं उसको ये बनाऊ वो बनाऊ, इन बातों में सोचना शुरू कर देते। लेकिन माँ बाप गौर से सुनो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने संतान दिए, वो भले प्रोफेशनली कुछ भी बने, लेकिन उनके सामने ऐसा धर्मी जीवन जियो ताकि तुम्हारा धर्मी जीवन देखकर तुम्हारी संतान भी धर्मी बन जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
अगर मेरा जीवन धर्मी नहीं है, मेरा जीवन पवित्र नहीं है, मेरा जीवन परमेश्वर के सामने योग्य नहीं है, तो मेरा कोई हक नहीं कि मेरी संतान परमेश्वर की राह पे चले। यह आज कान खोलकर सुनने वाली बात है। बाइबल का परमेश्वर जिक्र करता है अलीशिबा जकरिया के बारे में, वो बुढ़ापे तक आ गए थे, लेकिन जवानी से लेके बुढ़ापे तक वो सारे चाल चलन में परमेश्वर की आज्ञा और विधियों में व्यवस्था का पालन करने में वो निर्दोष थे, फिर भी निसंतान थी। लेकिन एक समय आया, खुदावन ने ऐसा पुत्र दिया, उस पुत्र को देखने के लिए जंगल में सारा यरूशलेम, सारा इज़राइल दौड़ पड़ा और उसके हाथ से पाप क्षमा का बपतिस्मा लेने के लिए आ गए। वो परमेश्वर का दास बनकर आया, उसने केवल लोगों को ही नहीं तो मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया। इसीलिए मैंने कहा धर्मी को लेट मिलता है लेकिन बेस्ट मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी दूसरे के आशीष को देखकर दुखी नहीं होता है, धर्मी दूसरे की बढ़ती है दूसरे की कामयाबी देखकर निराश नहीं होता है। उसको पता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से एक दिन ऐसा परिणाम आएगा जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया। ऐसे अद्भुत बातें वो परमेश्वर जो यीशु धर्मी उनके लिए जरूर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम थोड़ा सा बाइबल स्टडी स्टाइल में कुछ वचनों को पढ़ते जाएंगे। अब जब इन वचनों को पढ़ेंगे कुछ बातों की ओर हम ध्यान देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले एपिसोड में, पहले भाग में मैंने केवल नींव रखी है। अभी हम धीरे धीरे इस धर्मी जीवन के बारे में उस गहराई में धीरे धीरे जाने वाले। शायद हम पहले एपिसोड में टकने तक थे, आज हम घुटने तक आएंगे और इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। हमें धर्मी जीवन क्यों जीना है? क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर कहता है कि बहुत कुछ हो सकता है। हमें धर्मी जीवन क्यों जीना है? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना की ओर अपना कान लगाता है, धर्मी की ओर अपनी आंखें लगाता है। बाइबल का परमेश्वर धर्मियों से बहुत प्रेम करता है। मेरे मन में सवाल आया, परमेश्वर ये ईश्वर धर्मियों से इतना प्रेम क्यों करता है? ये परमेश्वर धर्मियों की इतनी प्रशंसा क्यों करता है? क्यों करता है इतनी प्रशंसा? धर्मियों पर इतना अनुग्रह क्यों करता है वो? इन दिनों में आज आपके जीवन में अगर अनुग्रह चाहिए तो अनुग्रह किसी की भविष्यवाणी नहीं देगी, अनुग्रह आपके धर्म के कर्म नहीं देंगे। अनुग्रह के लिए आपको अनुग्रह के दाता के इच्छा के अनुसार चलना होगा। बाइबल का परमेश्वर जिसकी पहचान हम देखते हैं कि वो पवित्र है ना। परमेश्वर को जब हम जानते तो क्या जानते? He is Almighty, सर्वशक्तिमान। He is Holy, पवित्र परमेश्वर। Omnipresent, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व समृद्ध, ऐसे परमेश्वर की पहचान है। लेकिन जब मेरे जहन में ये सवाल आया कि परमेश्वर धर्मी को इतना प्रेम क्यों करता है, परमेश्वर धर्मी के बारे में अपना मुंह खोलकर इतनी प्रशंसा क्यों करता है, उसके पीछे का कारण बहुत सारे कारण है, बहुत सारे वचन है। लेकिन मैं आपके सामने तीन वचन रखूंगा, तीन अलग अलग दासों का स्टेटमेंट में रखूंगा। पुराने नियम के दो दास और नए नियम का एक दास क्या कहता देखेंगे। उसके लिए पहले हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का अध्याय 32 और वचन 4। जब लाल समंदर को दो हिस्से में बांटा गया, जब लाल समंदर में से इजराइल लोग चलते हुए जब सूखी भूमि पर आए, तब मूसा ने एक गीत गाया। मूसा ने जो गीत गाया और उस गीत में उसने व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 32 और वचन 4 में परमेश्वर की 7 प्रकार की पहचान दी। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की पहचान, 7 डायमेंशन उसने परमेश्वर के बताए। हमें तो 4 ही डायमेंशन पता है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न। लेकिन मूसा ने 4 नहीं तो 7 डायमेंशन बताए। आप उसके बारे में बाइबल कहती है, मूसा का गीत व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 4, ड्यूटर्मनी मराठी में निर्गमन, सॉरी अनुवाद
अब उसका अध्याय 4, 32 अध्याय वचन 4, वह चट्टान है पहली पहचान, उसका काम खरा है, मतलब वो खरा परमेश्वर है, उसकी सारी गति न्याय की है, मतलब वो न्यायी है, तीसरी पहचान, वह सच्चा ईश्वर है, चौथी पहचान, उसमें कोई कुटिलता या कोई कपट नहीं है, ये पांचवी पहचान, छठी पहचान, वह धर्मी और सीधा है, सातवीं पहचान। सात पहचान में 6 नंबर पे जब आते हैं, तो यहाँ पे बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर खुद कैसा है, धर्मी है, धर्मी है। अब आपको पता है धर्मी होने के लिए जरूरी क्या है, धर्मी होने के लिए धर्म की जरूरी है, धर्म मतलब वो धर्म नहीं आजीजो जो इंसानों ने बनाया हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस धर्म को इंग्लिश में कहा गया है राइचियसनेस। अब इस धर्म की परिभाषा हम कुछ अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझ लो धर्म की परिभाषा ये है, मैं कहीं पर भी हूं, कहीं पर भी हूं, जहां कहीं पर भी हूं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, और ये एहसास रखते हुए जो उसको भाता है वही मुझे करना है। यीशु मसीह ने क्या कहा पहाड़ी के प्रवचन में, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसकी चिंता मत करो, प्रथम उसके धर्म राज्य की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हारे पास आएगी। उसका धर्म मतलब ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहे हम, उसकी धार्मिकता जिसके अंदर है, वो राइचियसनेस जिसके अंदर है, वही धर्मी हो सकता है। और परमेश्वर धर्मी क्यों है पता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि परमेश्वर खुद अपनी आज्ञाओं का पालन करता है। मुझे पिछले महीने में मुंबई से पास्टर से बात हो रही थी, तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई, अब मैं आपको भी वो सिखाना चाहता हूं। आपने गोल्डन वर्स सुना होगा, सुवर्ण नियम, जो मत्तयी 7:12 में हमें दिखता है, मत्तयी 7:12 में उसे सुवर्ण नियम कहा जाता है। और इन सब बातों को लेकर जब हम चलते हैं तो वचन कहता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं की शिक्षा यही है। तब तो पास्टर ने मुझे कहा, पास्टर जी इस वचन का कोई पालन कर रहा है कि नहीं, आज के डेट में मनुष्य इसका पालन नहीं कर रहा है, तो इसका पालन कौन कर रहा है पता है, इसका पालन खुद परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर सनातन समय से इस पापी मनुष्य के लिए, इस घुनित मनुष्य के लिए, इस शापित मनुष्य के लिए, उसको जो भाता है उसको बदलने के लिए परमेश्वर फिर से एक बार अपनी करुणा उंडेलता है, अपनी दया उंडेलता है। इस वचन को युगान युग समय से खुद परमेश्वर पालन कर रहे, इसको एक्चुअली गोल्डन वर्स कहा गया है, सुवर्ण नियम कहा गया है, लेकिन इस सुवर्ण नियम का पालन करने वाले बहुत कम लोग हैं। उस कैटेगरी में क्या मैं हूं, बाइबल स्पष्ट कहती है यहां पे, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग बदले, मेरे लोग पवित्र बने, मेरे लोगों को पवित्र होने के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया। लेकिन यार क्या मनुष्य अपनी गंदी बातों का बलिदान कर रहे, क्या गलत स्वभाव का बलिदान कर रहे, क्या पवित्रता में जीने के लिए क्या अपनी निगाहों से उन अशुद्ध बातों को निकाल रहे, क्या अपने विचारों से उन अशुद्धताओं को निकाल रहे, क्या उस कपट से भरे हुए उन सभी बातों को अपने हृदय से निकाल रहे, क्या? परमेश्वर सनातन समय से इस वचन को खुद पालन कर रहा है, इसीलिए वो धर्मी है। धर्मी होने के लिए धर्म होना चाहिए, और धर्म का डेफिनेशन या परिभाषा यह है कि उन आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब
आगे वचन हम देखते भजन संहिता 11:7 परमेश्वर धर्मियों से क्यों प्रेम करता है, क्योंकि वो खुद बाइबल कहती है जो 7 पहचान हमें दी गई है उसमें वो परमेश्वर धर्मी है। 11:7 क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। वाओ, ये दूसरी बात है कि उस परमेश्वर की पहचान ये, वो निश्चय पवित्र है, निश्चय सर्वशक्तिमान है, निश्चय वो सर्वज्ञानी है, निश्चय वो सर्वव्यापी ओमिनी प्रेजेंस है। लेकिन उसके साथ साथ इस परमेश्वर की पहचान है ये यहोवा धर्मी है, वो धर्मी परमेश्वर है। और इसलिए वो चाहता है जैसा मैं हूं वैसे मेरे लोग हो जाए, जैसे वो चाहता है बी होली बिकॉज आई एम होली, पवित्र हो जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूं, उसी के साथ वो चाहता है मैं धर्मी हूं तुम धर्मी हो जाओ, मैं धर्मी हूं तुम धर्मी हो जाओ सब प्रकार के चाल चलन में। और तीसरी बात, हमें प्रेरितों की किताब उसका अध्याय 3 और वचन 14 में जब पत्रस पेंटिकॉस्ट के दिन खड़ा हो गया तब उसने जो प्रचार किया उसमें पत्रस की बेहतरीन बातें हमें यहाँ पे दिखती है। बहुत सारी बार उसने इन बातों का जिक्र किया है लेकिन हम एक ही वचन को लेकर पढ़ेंगे। पहली गवाही मूसा देता है जो व्यवस्था विवरण 32:4 में हमने देखी है, दूसरी गवाही दाऊद देता है कि यहोवा धर्मी है, और तीसरी गवाही पत्रस जो पेंटिकॉस्ट के दिन खड़ा रहता है और बात करता है। प्रेरित 3 और वचन 14 रसूलों का किताब 3 वचन 14 तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। पत्रस प्रभु के साथ रहा, उसने देखा ये परमेश्वर होने के बावजूद, मसीहा होने के बावजूद ये खुद प्रार्थना भी करता है, प्रार्थना करने की केवल आज्ञा नहीं देता है तो प्रार्थना भी करता है। जब पत्रस उस दिन उस रात गश्यमनी बाग में जब उसने उस मल्क नाम के उस सैनिक का कान काट दिया, यीशु मसीह उसी कान को लेकर जो उसको पकड़ने के लिए आए थे वहां पे कान फिर से लगा देता है। यह है ईश्वर, सच्चे ईश्वर की पहचान, वही कान वहां पर लगा दिया। उन लोगों का उसने चंगा, उस लोगों की चंगाई की जो लोग उसके खिलाफ थे। पत्रस ने अपनी आंखों से देखा, पत्रस ने 3 इनकार किया, पत्रस ने जब ये सब होने के बावजूद फिर से मछलियां पकड़ने गया, उसके बाद जो 3 इनकार किया वही 3 इकरार करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु कहते पत्रस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, और उसका इनकार उसने इकरार में कर लिया। और वो पत्रस जब पेंटिकॉस के दिन पवित्र आत्मा की आग में भर गया तब उसने यहाँ पर कोई बड़े बड़े मोजाजात नहीं किए तो उसने उस परमेश्वर की पहचान बताई, वो पवित्र और धर्मी है। निश्चय हमें हमारे जीवन में पवित्र चाल चलन रखनी है, वैसी ही एक धर्मी चरित्र भी होना चाहिए। हमारा जीवन अगर धर्मी कैरेक्टर का है तो धर्मियों की पीढ़ियों पर, 1000 पीढ़ियों पर ये परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है। आज इन बातों को मुझे समझना होगा कि मुझे धर्मी क्यों होना है, मुझे पवित्र क्यों होना है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा पिता पवित्र आत्मा त्रैक परमेश्वर स्वयं पवित्र है, स्वयं धर्मी है, इसलिए वो चाहते कि हम भी धर्मी हो जाएं। इस विषय को परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह से मुझे दिया है। आप इस विषय को अगर आप समझोगे और इस विषय के अनुसार आप आपके जीवन में बदलाव लाओगे तो मुझे आपको बताने के लिए बहुत आनंद होगा। परमेश्वर आपके भीतर अपने आप को देखेगा, प्रभु यीशु आपके भीतर खुद को देखेगा क्योंकि वो खुद धर्मी है। आज बहुत सारे लोग पवित्र तो है लेकिन धर्मी जीवन में नाकामयाब है। धर्मी अपने व्यवहार में ईमानदार होता है। धर्मी के बारे में कहा जाता है कि जब वो सौगंध लेता है तो भले उसका नुकसान क्यों ना हो उसे पूरा करता है। आज क्या मेरे जीवन में मैं धर्मी जीवन की चाल चल रहा हूं, इन बातों को देखना
बहुत जरूरी है। पुरानी वाचा या पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार लोग कैसे धर्मी होते थे उसके बारे में रोमियो का दूसरा अध्याय और वचन 13 क्या कहता है उसको ध्यान लगाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था पुराना नियम पुरानी वाचा के अनुसार बाइबल कहती है व्यवस्था कर सुनने के लिए नहीं दी गई है, व्यवस्था के अनुसार जो चलेंगे वो धर्मी ठहराए जाएंगे। यीशु मसीह की पहली की बात की जा रही है। उसके बाद यही रोमियो का तीसरा अध्याय और वचन 20 क्या कहता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, दोष की पहचान होती है। व्यवस्था हमें पाप का एहसास दिलाता है। ये नियम क्यों दिए गए थे इसराइलियों को, ये नियम क्यों दिए गए थे कनान में जाने से पहले, क्योंकि कनान के अंदर जो कनान पूरी तरह से सेक्सुअल पापों से भ्रष्ट हो गया था, मूर्ति पूजों के पापों से भ्रष्ट हो गया था और परमेश्वर चाहता था कि मेरे लोग इन गंदी बातों में ना पड़े, वो अपने जीवन में जो सोशल नियम दिए गए थे, जो सामाजिक नियम दिए गए थे, भक्ति के नियम दिए गए थे, परमेश्वर की आराधना के नियम दिए गए थे, उस व्यवस्था के नियम पर वो चले, ना कि अन्य जातियों की भ्रष्ट बातों पर मन लगाए। लेकिन बाइबल कहती है कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। अब गलातियों की पत्री में पौलुस तो एकदम जबरदस्त बात करता है। गलातियों का तीसरा अध्याय और वचन 10 में बाइबल क्या कहती है देखेंगे, गलातियों 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों में करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3:10 से 3:12 तक अद्भुत बातें पौलुस यहाँ पे बता रहे हैं। वो खुलेआम कह रहा है व्यवस्था शापित नहीं है, व्यवस्था के ऊपर विश्वास करके जो अभिमानी कहेगा नहीं मैं व्यवस्था के सारे रूल्स और रेगुलेशन को, सारे टर्म्स कंडीशन को, सारी आज्ञा और विधियों को मैं पालन करूंगा, और अगर वो पालन नहीं करता है तो पौलुस कहता है वो शापित है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले लुका रचित सुसमाचार में पहले अध्याय में हमने अलीशिबा और जखरिया का जीवन देखा कि वो व्यवस्था के नियम विधियों और आज्ञाओं के अनुसार वो निर्दोष थे। बहुत कम लोग हुआ करते थे कि इन सब बातों को 100% 100% फॉलो करते थे। अब परमेश्वर ये जानता था कि ये मानव जात इसमें से सभी लोग इसका पालन नहीं कर सकते थे, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो व्यवस्था के अधीन था, जो व्यवस्था के अधीन उसने जन्म लिया और इस संसार में आकर उसने अपने जीवन से व्यवस्था कहता वो मैं व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आया, तो वो कहता व्यवस्था को पूरा करने आया। और जब सूली पर प्राण देने से पहले यीशु मसीह ने कहा पूरा हो गया, तो क्या पूरा हो गया, व्यवस्था यीशु मसीह के शरीर में, उसके बलिदान में, उसके पुनरुत्थान में पूरी हो गई है। इसलिए हमें नियम और शर्तों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यवस्था के अधीन है वो शापित है, लेकिन जो मसीह के अधीन है वो धर्मी ठहरकर आशीषित है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहती बाइबल रोमियो का 8वां अध्याय और वचन 1 में, बहुत बेहतरीन बात हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। रोमियो 8:1, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं,
क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। वाओ, पुराने नियम की व्यवस्था हमें पाप का एहसास दिलाता है और उसकी पालन करने वाला कोई भी आलिशिबा या जकरिया के जैसे या वो शिमोन नाम के बुजुर्ग व्यक्ति के जैसे या यूसुफ के जैसे कोई ऐसा धर्मी व्यक्ति नहीं था कि जो उसे 100% उस व्यवस्था के साथ वफादार थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और जितने मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर अनुग्रह है। इस 8वें अध्याय को जब शुरुआत होती है, लेकिन 7वां अध्याय जब खत्म होता है ना, तो उसका 25 वचन बहुत बेहतरीन है। वो भी वचन सुनो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। क्या बताना चाहते हैं पौलुस यहां पे? मैं बुद्धि से व्यवस्था को जान रहा हूं। व्यवस्था कहती है ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, व्यवस्था कर्म से भरी हुई थी। व्यवस्था को मैं बुद्धि से पालन कर रहा हूं लेकिन शरीर से तो मैं पापी हूं। इसलिए यीशु मसीह ने व्यवस्था जो व्यभिचार के बारे में कहती है कि अगर कोई व्यभिचार करता है तो उसके लिए दंड या जो भी बात बताई गई, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर मैं सोच में भी अगर किसी स्त्री के बारे में व्यभिचार के विचार रखता हूं तो मैंने हृदय में उसके साथ व्यभिचार किया ही है। इसीलिए बाइबल कहती है खतना शरीर के उस प्राइवेट पार्ट की ना हो तो खतना कानों की और हृदय की हो। व्यवस्था के अंदर जो बातें हम देखते हैं, व्यवस्था हर किसी को कामयाब नहीं बनाती थी। जो पुराने नियम की व्यवस्था हर व्यक्ति को धर्मी नहीं ठहरा सकती थी और यही बातें हमें बार बार बताई जाती है। अब उसके बारे में एक वचन पहला करिन्थियों 6 अध्याय वचन 9 में क्या कहता है, थोड़ा उस पर भी हम अध्ययन करेंगे। 6:9, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्छे, ना पुरुषगामी, ना चोर, लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे। अधर्मी लोगों को यहाँ पर बताया गया है, ये सब पाप करने वाले लोग जिन्हें अधर्मी कहा गया है, ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्रों को क्यों भेजा? अधर्मी धर्मी बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं अधर्मियों के लिए आया हूं। निश्चय फिर से एक बार बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ये संसार में 2022 साल पहले निश्चय अधर्मियों के लिए आया, पापियों के लिए आया, अनाचारियों के लिए आया, लेकिन अभी आएगा तो निश्चय धर्मियों के लिए आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो जब बीच आकाश में प्रकट हो जाए मैं उसके साथ उठा लिया जाओ, तो उसके लिए एक धर्मी जीवन की बहुत जरूरी। वो धर्मी जीवन जो आखिरी सांस तक मसीह से वफादार रहने वाला जीवन मुझे मसीह के राज्य में लेकर जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अद्भुत बातें। अगर हम पुरानी वाचा या व्यवस्था में अगर देखेंगे तो क्या रखा है उसमें, उसमें अगर हम देखेंगे तो नाना प्रकार के नियम है, खाने पीने के नियम, नहाने के नियम, कपड़े धोने के नियम, नाना प्रकार के नियम। व्यवस्था में हमें खतना दिखती है, व्यवस्था में हमें नाना प्रकार के त्योहार दिखते हैं, व्यवस्था में नाना प्रकार के प्राणियों के पशु पक्षियों के बलिदान दिखते हैं, व्यवस्था में जो विश्राम का दिन उसको पालन करने के ऊपर अधिक जोर दिया जाता है। अब इन सब बातों का जुआ जिनके लिए दिया गया था वो इसराइल कुछ दिन भी उसको अपने जीवन में पालन नहीं कर पाए। इसलिए जब कलीसिया फैलने लगी, अन्य जातियों में कलीसिया खड़ी हो गई, बहुत सारे यहूदी विश्वास
में रहने वाले शास्त्री फरीसी रब्बी याजक यीशु मसीह के पास आए, मतलब उद्धार पाए, लेकिन उनके पास मूसा की व्यवस्था थी। अब उन्होंने एक जोर जबरदस्ती से कलीसिया के ऊपर दबाव दिया कि हमें मूसा की व्यवस्था का भी पालन करना चाहिए। अब उस वक्त प्रेरितों के जमाने में पहली धर्म सभा यरूशलेम में थी। इस धर्म सभा में पत्रस ने एक बात कही कि जो जुआ हमारे बाप दादाओं को उठाने के लिए असहनीय था, तो ये अन्य जाति के लोग कैसे उठाएंगे। उसने व्यवस्था में से केवल चार बातों को ही महत्व दिया। अब उन चार बातों को लेकर ही आगे चले। ये सब बातें हम बहुत डीप में आगे जाके भी देखेंगे, लेकिन जाते जाते खत्म करते करते इस 5 मिनट में मैं बताना चाहता हूं कि अगर रोमियो 3:10 में लोग कहते कि धर्मी कोई नहीं है, लेकिन बाइबल हम धर्मी कैसे ठहराए गए, हम धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं, उसके बारे में कुछ वचनों से बात करती है। उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 3 अध्याय और वचन 24। रोमियो 3:10 कहता है धर्मी कोई नहीं है, एक भी नहीं है, लेकिन आगे जाकर जो लोग एक ही वचन की पूछ लेकर अपने जीवन में सिद्धांत बनाते हैं ना, वो लोग गलत फहमी में और रॉन्ग डॉक्ट्रिन में जीवन जीते जीते अज्ञानता के वजह से वो अंधकार में चले जाते। इसलिए हमें वचन को संदर्भ में समझना चाहिए, उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इन सारी बातों को उसको तालमेल उसका लगाना चाहिए, तब जाके वचन समझेगा। देखो क्या कहता है वचन, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंटमेंट में धर्मी ठहराए जाते। रोमियो 3:10 कहता है लिखा है कि धर्मी कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है हम सेंटमेंट में धर्मी ठहराए जाते यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। अब एक वचन रोमियो 3:28 क्या कहता है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। व्यवस्था के कामों से नहीं, तो हम यीशु मसीह के अनुग्रह से धर्मी होते सेंटमेंट में, यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। और आगे एक बात गलती का सॉरी रोमियो का 5 अध्याय और वचन 9 क्या कहता है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम यीशु के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, नंबर 1 हम यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, नंबर 3 हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे हम 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और वचन 11, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, मतलब अधर्मी थे, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, लुचपन करने वाले, लोभी, पुरुषगामी, वेश्यागामी, पियक्कड़, अंधेर करने वाले, गंदी गंदी गालियां देने वाले, उनमें से हम भी थे। इसलिए वो कह रहा है कि परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर की आत्मा मतलब पवित्र आत्मा के जल स्नान से हम परमेश्वर के द्वारा पवित्र और धर्मी ठहराए। हालेलुया, बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर हमें बताता है। और एक वचन हम पढ़ेंगे जो रोमियो का 4 अध्याय जो हमारा मूल वचन है 25 वचन, उस पर मैं पढ़कर रुक जाऊंगा। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ये जो 4-5 रेफरेंस हमने दिया, और रेफरेंस ले सकते हैं हम रोमियो का 10 अध्याय
और वचन 9, रोमियो 10 वचन 9 से आगे क्या कहता है देखो, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। अभी 10 वचन देखो क्या कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। धार्मिकता के लिए, धर्मी होने के लिए हमें बाइबल कहती है कि हमें अंगीकार की जरूरत है। जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हम यीशु को अपना जीवन देते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं, हा प्रभु मैं पापी हूं, उस पापी पर दया कर, उसके पाकीज़ा पवित्र निर्दोष निष्कलंक लहू से हमारे गुनाहों को धो दिया जाता है, अब जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन मैं उसके आगे आपको लेके जाना चाहता हूं, केवल धर्मी ठहराने वाले वो जस्ट उनको स्कूल में दाखिला मिला है। गौर से सुनो मेरी बात, हाँ हम धर्मी है लेकिन हम कितने सालों से मसीह है, कितने सालों से हमें उद्धार का अनुभव मिला है? क्या हम धर्मी ठहराए गए जिस दिन हमको उद्धार मिला है, क्या हम तब से उसी एक ही जगह पर है? मैंने पिछले दिन भी बताया, अगर आप उसी कक्षा में बैठना चाहते हो ना, प्रभु आपको जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन प्रभु चाहता है कि अगर तुम धर्मी ठहराए गए मतलब स्कूल ऑफ हेवन में आपका दाखिला किया गया है, तो आपको स्कूल ऑफ हेवन में आपको पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में बढ़ना है। और यही बात पास्टर्स लोग बार बार कलीसिया को कहते हैं, प्रभु में बढ़ो मतलब धर्मी जीवन में बढ़ो, पवित्र जीवन में बढ़ो, आज्ञाकारी जीवन में बढ़ो, अधीनता में बढ़ो, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ो, परमेश्वर के काम में बढ़ो। हमको सब चीज में बढ़ती चाहिए, हमें पगार में बढ़ती चाहिए, हमें सम्मान में बढ़ती चाहिए, हमें समाज में बढ़ती चाहिए, लेकिन क्या आपने ये सोचा है क्या मैं धर्मी जीवन में बढ़ रहा हूँ, या मैं जिस दिन मुझे पता चला हाँ मैं धर्मी हूँ, पास्टर राजू ने बताया रोमियो 3:10 में लोग कहते कोई धर्मी नहीं, लेकिन हमने रोमियो 4:25 में देखा है कि वो हमारे लिए मारा गया और पुनरुत्थित हुआ, इसलिए हम धर्मी ठहरे। लेकिन धर्मी ठहरने के बाद क्या मैं धर्मी जीवन में बढ़ रहा हूँ? एक धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उसका जीवन में वो बढ़ रहा है, इसके चिन्ह क्या है? धर्मी व्यक्ति के अंदर 5 मूल स्वभाव होते हैं। वो 5 मूल स्वभाव को मैं थोड़ा सा बताकर फिर मैं खत्म करूंगा। हमने याकूब 5:16 को बहुत बार क्लेम किया है, क्या कहते हैं हम, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस लाइन को आने से पहले ये 16 वचन बड़ा वचन है, वो इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपने गुनाहों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। चंगाई के लिए बात बताई गई है, लेकिन चंगाई के साथ साथ एक बोनस है यहाँ पे, क्या कहता है वो, ये खत्म होने के साथ आगे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं फर्स्ट टाइम जब इस वचन पे अध्ययन कर रहा था, इस वचन में चंगाई के बाद इमीडिएट धर्मी जन का उल्लेख क्यों किया गया, धर्मी जन का जिक्र क्यों किया गया, क्योंकि वहां पे 2 क्रिया बताई गई है, नंबर 1 क्षमाशीलता, नंबर 2 प्रार्थनाशीलता। जो व्यक्ति अपने जीवन में क्षमाशील होता है, नए नियम से धर्मी कैसे होते पता है, निश्चय हम धर्मी ठहरे यीशु के लहू के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के धोने के द्वारा, यीशु के नाम पर ईमान रखने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा, पश्चाताप और मन फिराने के द्वारा धर्मी निश्चित हो गए। लेकिन उसके बाद में शायद हमारी गाड़ी अगर कहीं गड़बड़ी में, तो हमें धर्मी जन में किस तरीके से प्रवेश मिलता है, तो धर्मी जन के अंदर ये नए नियम के 2 स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 क्षमाशीलता, क्षमा मांगो क्षमा करो, क्षमा करो क्षमा मांगो, जो तुमसे क्षमा मांगता है उसको बड़े दिल से क्षमा करो। धर्मी जन में पहला स्वभाव है क्षमाशीलता और दूसरा स्वभाव है आगे दिया है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर उसने क्षमा मांगी, वो गलती की है, भले वो क्षमा मांगने को नहीं आए तो भी दुआ करो, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत काम करती है। ये 2 बात
अब पुराने नियम में कुछ लोग लेते रहे इन बातों को, या रोमियो का तीसरा अध्याय 10 को अगर लेते, यहाँ पे तीन स्वभाव है, ये पांच स्वभाव को शायद आप लिख कर रखो आपकी डायरी में। नए नियम के अनुसार याकूब 5:16 के अनुसार नंबर 1 क्षमाशीलता और नंबर 2 प्रार्थनाशीलता। क्षमाशील प्रार्थनाशील, ये दो स्वभाव। अब यहां पे रोमियो 3:10 क्या कहता है देखो, कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं, आगे चलेंगे 11-12 में, कोई समझदार नहीं परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए, सबके सब निकन्ने बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं एक भी नहीं। मतलब यहां पे तीन स्वभाव है, समझदारी, खोजने वाला, भलाई करने वाला। नए नियम में याकूब 5:16 प्रार्थनाशील, क्षमाशील, और रोमियो 3:10 के अनुसार जो लोग कहते ना धर्मी कोई नहीं एक भी नहीं, उन्होंने आगे का वचन भी पढ़ना चाहिए। धर्मी के जीवन में पुराने नियम के अनुसार ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवस्था के पहले ऐसे लोग थे, व्यवस्था के बाद भी ऐसे वो लोग थे जिनके अंदर नंबर 1 समझदार थे। इसलिए बाइबल कहती है यूसुफ एक धर्मी था, मरियम की नाम धराई ना हो इसलिए वो उसको चुपके से छोड़कर जाने, वो एक उसको बदनाम करने के लिए नहीं तो समझदारी से अलग हटने की कोशिश कर रहा था। नंबर 4 पे परमेश्वर का खोजने वाला, हम उसको खोजते हैं क्या? क्या संडे को ही हमारी बाइबल खुलती है? क्या जरूरत के समय हमारे घुटने टिकते हैं? क्या परिस्थितियां बिगड़ने के बाद हम प्रभु प्रभु करते इसराइलियों के जैसे? नहीं, इसराइलियों के अंदर ये एक स्वभाव नहीं था, जो खुदा को खोजते नहीं थे, वो स्वार्थ से खोजते थे। जब लाल समंदर आया तब उन्होंने खुदा को खोजा, जब पानी की समस्या आई तब खुदा को खोजा और कुड़कुड़ाया। लेकिन पुराने नियम के अनुसार अगर देखेंगे तो नंबर 1 समझदारी, नंबर 2 खुदा को जी जान से खोजने वाला, और नंबर 3 भलाई का काम करने वाला। आज भलाई करने वाला कोई नहीं दिखता है, अंत के समय के अंत में हम आ गए हैं, प्रेम ठंडा पड़ गया है, रिश्ते नातों में प्रेम ठंडा पड़ गया है, दोस्ती यारी में प्रेम ठंडा पड़ गया है, कलिसिया में प्रेम ठंडा पड़ गया है, जो वह स्वार्थ से भरा हुआ है। और आज खुदा वो चाहता है ये पांच स्वभाव को हम अगले एपिसोड में और डीप में जाकर देखेंगे। नंबर 1 क्षमाशील, नंबर 2 प्रार्थनाशील, नंबर 3 समझदार, नंबर 4 खुदावन को खोजने वाला, और नंबर 5 भलाई करने वाला। ये पांच स्वभाव में, धर्मी के ये पांच स्वभाव में पांच प्रकार की सेवकाई भी छुपी हुई है। ये पांच स्वभाव में फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का ऑफिस भी है, जिसे प्रेरिताई, भविष्यवक्ताई, सुसमाचारक, पास्टर और शिक्षक, ये पांच स्वभाव, ये पांच बातों में पड़े हुए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा क्षमाशील होता है, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करता है, समझदारी से अपना कदम बढ़ाता है, परिस्थिति कुछ भी हो जो खुदा को खोजता है, उसके जीवन में भला कुछ भी ना हो लेकिन दूसरे के लिए भलाई करता है, उसके अंदर ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री आती है। इसीलिए याकूब 5:16 कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए प्रेरितों को खाने को नहीं था, प्रेरितों को रहने के लिए नहीं था, प्रेरित खुद दुख में थे लेकिन उनकी प्रार्थनाओं से लोगों के जीवन में अद्भुत काम होते थे। ये रहस्य उसके पीछे का। आज आपको मुझे ये धर्मी जीवन की आवश्यकता है। ये धर्मी जीवन जीते जीते अगर हमारी आखिरी सांस निकलती है ना, तो 100% गारंटी देता हूं धर्मी जन को लेने के लिए, धर्मी पुरुष जो 2022 साल पहले सूली पर मारा गया, वो धर्मी पुरुष उन धर्मियों को लेने के लिए आएगा, फिर कुछ कब्र से निकलेंगे, फिर कुछ जिंदा हालत में महिमा के शरीर के साथ निकलेंगे। लेकिन धर्मी जीवन बहुत जरूरी है। अजीजो, इस विषय को गंभीरता से ले लो और इसके बारे में सोचो, क्या मैं धर्मी जीवन जी रहा हूं? क्या मैं मेरे सताने वालों के लिए बड़े दिल से क्षमा करता हूं? क्या मेरा नुकसान जिन्होंने किया, मेरे साथ धोखाधड़ी जिन्होंने की, मेरे पीठ में जिन्होंने छुआ घोपा, जिन्होंने मेरे साथ गद्दारी की, क्या मैं उनके लिए क्षमाशील हूं? क्या मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं?
क्या मैं रोमियो 3:11 के अनुसार धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, आगे लिखा है समझदार कोई नहीं, इसका मतलब धर्मी में एक समझदारी का स्वभाव है। क्या मैं समझदारी से चल रहा हूं या पागलपन से निर्णय ले रहा हूं? क्या मैं एक शुद्ध जीवन जी रहा हूं, गलत बातों को छोड़कर, समझदारी से सभी गलत लतों को छोड़कर एक अच्छे राह पे चल रहा हूं? क्या मैं खुदा का खोजने वाला हूं? बाइबल कहती है खुदा को खोजने वालों के लिए खुदा करीब है, हम उसको खोजने वाले बने। धर्मी का ये चौथा स्वभाव। और पांचवा स्वभाव भलाई। फिर वो भलाई किसी को हेल्प करने की, मुट्ठी बंद करके हेल्प करना। दाएं हाथ से दे रहा हो तो बाएं हाथ को पता नहीं चले, तुराई ना बजनी चाहिए। इन दिनों में, इन वायरस के दिनों में कुछ मसीह लोगों ने सोशल वर्क किया, कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों को अनाज दिया, खाना दिया, पीना दिया, दवाई दी, लेकिन उसके बड़े बड़े बैनर फोटो निकाल कर फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड किए। ये लोग धर्मीजन की गिनती में नहीं गिने जाएंगे। धर्मीजन जब भलाई करते ना तो उसके अपनों को पता नहीं होती कि इन्होंने भलाई की है। हालेलुया, परमेश्वर करे। धर्मीजन का पहला स्वभाव क्षमाशीलता, दूसरा स्वभाव प्रार्थनाशीलता, तीसरा स्वभाव समझदारी, चौथा स्वभाव खुदावन को खोजने वाला, और पांचवा स्वभाव भलाई करने वाला। ये पांच स्वभाव आपके जीवन में धर्मी जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे और आपके जीवन से यीशु का नाम हमेशा ऊंचा हो। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस मैसेज के द्वारा अगर प्रभु ने आपसे बात की है, आपको लगता है कि ये मैसेज ने मुझे आशीषित किया है, औरों को आशीषित करने के लिए, खुदावन के राज्य को बढ़ाने के लिए, धर्मी लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए, इस वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।